अगर साहब एजेंसियों के नाम बताएं जी पहले। जी एजेंसी है आईबी, आईबी और उसके दो बंदे जिसकी वीडियो हामिद मीर साहब ने जिस प्रोग्राम में बैठा था जारी की थी, उसूलन अगर थोड़ी सी भी जरा बराबर भी होती तो पंजाब गवर्नमेंट को चाहिए था कि अभी क्लियर करके बैठे होते कि हमारे पे ये इल्जाम ना लगाएं। आईबी हमारा इदारा है, मेरा मुल्क है, मेरे मुल्क के इदारे हैं। आपको किसने अख्तियार दिया कि आप अगर आ ही गए गलती से, सेलेक्टर ले आए आपको गलती से, तो आप मेरे मुल्क और मेरे इदारों को इस तरह मुलायम करेंगे, ये हाल करेंगे? अजाती तौर पर आप वाले जो आपने इनके हवाले से कहा कि मार्का मार, कोई मार्का नहीं मारा। ये मार्का इसको बोलते हैं? दो लोगों की जाने गई हैं, दो लोग शहीद हुए हैं, वो चाहे किसी भी पार्टी के हो, हैं पाकिस्तानी मेरे भाई, तो किन की वजह गलत से गई हुआ। हैं ये भी बताएं वो साहब। आप लोगों की वजह से गए, गवर्नमेंट माल्या आपकी भी गलत, थी। हमारे पास सिंध में इसी तरह इन लोगों ने जत्तों के साथ, असले के साथ, लीडर ऑफ अपोजिशन घूम रहे थे, उठा के हमने बाहर फेंका है। हमने अपने बंदे नहीं जाया होने दिए, हमने अपने किसी बंदे को नुकसान नहीं होने दिया। अपने ऊपर आपके गलत ख्याल में जो 20 प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स थे उनको आईबी उठा के लेके गई? 100% वो स्टेटमेंट मौजूद है। जिस देखें, इस असने की बात नहीं है, ये लम्हे फिक्रिया है। वो हो सकता है उनको बताओ किसने उठाया, इसलिए असले हैं। वो कह रहे हैं आईबी का नाम बता ले देना। और मैं देखे ना, मैं तो ना इनका कोई लेना देना इलेक्शन से, हाँ, मेरा कोई लेना देना नहीं है। ना मैं पाकिस्तानी हूँ, इनको पता ना मैं पॉलिटिकल हूँ, ना मैं किसी इदारे का मेंबर हूँ, ना आप अंदाजा लगाएं इनकी सोच का, यानी मेरा कोई लेना देना ही नहीं है।